कोरोना काल में राजधानी रायपुर की राम मंदिर में सेंसर वाली घंटी लगाई गई है और इस घंटी को भक्त बिना छुए बजा सकेंगे। अनलॉक एक के दौरान 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही मंदिर की घंटियां उतार दी गई थी ताकि किसी को कोई संक्रमण ना हो सके। मंदिर के पुजारी आद्या पांडे ने बताया है कि शहर में घंटी सबसे पहले राम मंदिर को प्रदान की गई है, इससे भक्तों की घंटी बजाने की इच्छा पूरी होगी। ये खोज बहुत अच्छी है, कोरोना के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट तारीफ के काबिल है। 8 जून से तमाम धार्मिक स्थलों के साथ ही मंदिरों को भी खोला गया है और तमाम मंदिरों से जो है घंटों को उतरवा दिया गया था ताकि घंटी बजाने से कोरोना का संक्रमण ना फैले। तो आज हम राजधानी रायपुर के राम मंदिर में मौजूद है जहाँ पर आपको एक घंटी दिखाना चाहेंगे जो स्वचालित घंटी है जो सेंसर के माध्यम से बजाई जाती है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घंटी है इस सेंसर के माध्यम से बजाई जाती है, किसी बिना किसी तरह के इसको छूने की भी जरूरत नहीं है भक्तों को। तो इसे हाथ हिलाकर महाजी इस तरह से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे भी इसे बजाया जा सकता है जो भक्तों को काफी सुविधा जो है वो मिल रही है। और साथ ही हम यहाँ के पंडित जी से भी जानना चाहेंगे कि ये जो घंटी है वो कब से यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 6-7 दिन हो गए। क्या ये जो सेंसर वाली घंटी है पहली बार जो है राम मंदिर में लगाई? मेरे ख्याल से तो ये कहीं भी नहीं होगी, सिर्फ रायपुर में राम मंदिर में ही है, क्योंकि जिसने बनाया फर्स्ट राम मंदिर को ही उन्होंने दिया है सबसे पहले। और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, जो कोरोना के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है कि लोग ना छुएं, क्योंकि घंटी इसलिए उतार दी गई है क्योंकि कोरोना के कारण लोग कोई भी आ सकता है मरीज जो छू दे और लोगों को संक्रमण हो जाए, इस कारण से घंटी अलग कर दी गई थी। लेकिन जब ये इस प्रकार की घंटी जब बनाई गई पूछा गया तो राम मंदिर वालों ने कहा कि ठीक है आप लेकर के आइए। और अच्छी बात है, भक्त श्रद्धालु लोग जो भी आते हैं तो चाहते हैं कि हम घंटी बजाएं भगवान के सामने, और हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन कोरोना के कारण घंटी उतार दी गई थी, भगवान की कृपा हुई तो लोगों को न छूना पड़ेगा न कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ सामने करना है, अपने आप ऑटोमेटिक घंटी बजेगी। तो संक्रमण से बचने के लिए घंटी लगाई गई है। तो जैसा कि आपने सुना ये नई तरीके की जो घंटी है ये स्वचालित घंटी है, इसे बिना छुए भी इसे इसके माध्यम से भी ऐसे बजाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं है वो की गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही भक्त जो है घंटी बजाने का आनंद भी ले सके। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।